क्लैश स्क्वाड का ये सीजन पे मैंने एक चीज नोटिस किया है, वो है नूब ओपोनेंट। देखो ओपोनेंट में सारे के सारे नूब है। यहाँ पे बस एक ही प्लेयर अच्छा खेलेगा, वो है हीरोइक प्लेयर। बाकी यहाँ पे जो प्लेटिनम है, डायमंड है, ये सब जितना खेल नहीं पाएगा। तो ये ट्रिक कैसे वर्क हुआ ये आप भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैसे, तो चलो आ जाओ गेम में। मैं हूँ अभी गेम पे और मुझे इन्वाइट करना है एक फ्रेंड को। देखो आपको एक फ्रेंड बुलाना है, जो मान के चलो आपको फ्रेंड भी नहीं होना, कम से कम आपको फ्रेंड लिस्ट एक बंदा बुला लेना है। ठीक है, कोई भी बंदा बुला लो जो अच्छा खेलता हो, नॉर्मली आपको हेल्प करने के लिए वो बंदा चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक प्लेयर को इनवाइट कर दिया है जो मुझे हेल्प करे, कम से कम बंदा बंदा मारने के लिए। क्योंकि जो अभी दो बंदा आएगा ना, वो ऐसा प्लेयर होगा ना गाइस जो आपको हेल्प तो करेगा लेकिन उतना मार नहीं पाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वैसा प्लेयर बुला रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे कम रैंक का हो, देखो गाइस ये प्लेयर सब है प्लेटिनम रैंक का हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो इनका आप लोग केडी चेक करो, कम से कम इनका केडी ना 1 का केडी होना चाहिए। कम से कम ये ऐसा प्लेयर होना चाहिए, कम से कम एक बंदा संभालना चाहिए। ठीक है, इनसे एक बंदा संभालने वाला, इसलिए आप लोग केडी चेक करो, सबका 1 का केडी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये प्लेयर ना गाइस इसको निकालना पड़ेगा कि उसको 1 का केडी नहीं था। मेरे पास एक प्लेयर है जो अभी 1 का केडी रखता है। तो फिलहाल फिर से हम लोग वर्ल्ड चैट में इनवाइट कर देते हैं। तो आपको वर्ल्ड चैट का भी आप लोग यूज कर सकते हो यहाँ पे नया सीजन पे। तो एक प्लेयर यहाँ पे मुझे दिख रहा है आ चुका है। तो चलो इसका पहले हम लोग केडी वगैरह चेक करते हैं। तो चलो इसका केडी 1 से ऊपर, ये तो टेंशन नहीं है। यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमारे जो दो प्लेयर है ना गाइस वो जो वर्ल्ड चैट से है उनका केडी बस 1 से ऊपर होना चाहिए, और जो आपका टीममेट है वो आपसे बातें करना चाहिए। बस ऐसा प्लेयर को उनको इन्वाइट करना है। उनका रैंक वगैरह जो कम होना चाहिए। ठीक है, उनका रैंक वगैरह कम होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो हमारा गाइस आ चुका अपना स्क्रीन पे गेम पे, और देखो अपना ये लॉबी देखो कैसा लॉबी है। सामने देखो एनिमी है, यहाँ पे आप लोग का ब्रोंज का प्लेयर है, सिल्वर का प्लेयर है, डायमंड का प्लेयर है, और एक हम लोग का हीरोइक का प्लेयर है जो मुझसे रैंक मतलब मैचिंग करता है हीरोइक। तो ये ट्रिक इसलिए वर्क हुआ कि मेरे ओपोनेंट में और मेरे टीम में दोनों में लो रैंक का प्लेयर था। दोनों मैच मेकिंग हुआ तो दोनों एक साथ आ गए यहाँ पे, इसलिए ये वर्क हुआ रहा है। एंड यहाँ पे देखो हमने विक्ट्री भी कर दिया पहला राउंड। बहुत इजी ट्रिक था, ये लोग उतना मार नहीं पा रहा था, हम लोग ये सब डोमिनेट कर रहे थे। तो आप लोग को ये ट्रिक वर्क करवाना है नया सीजन पे। बहुत सारे मजेदार ट्रिक है जैसे कि रैंडम प्लेयर, बिगेस्ट मिस्टेक, क्लैश स्क्वाड, स्ले, व्हाट इज विजिटर्स इन फ्री फायर। और अगर आप लोग सेंटोसा खेलते हो रैंडम में तो आपको ये ट्रिक बहुत ज्यादा फायदेमंद पहुंचाने वाले। कौन सा ट्रिक है बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अ ग्रैंड मास्टर प्लेयर गेव मी वन ट्रिक। हम लोग का टीम में ग्रैंड मास्टर प्लेयर आया था और मुझे एक ट्रिक शेयर किया था। मेरा तो गिल्ड लीडर भी ग्रैंड मास्टर ही है अब फिलहाल, और फिलहाल जो मेरे फ्रेंड में भी कुछ ग्रैंड मास्टर है। तो उनसे मैंने ट्रिक पूछा था, तो कौन सा ट्रिक है आपको गेम में बताता हूं। चलो तो मेरे फ्रेंड में ग्रैंड मास्टर प्लेयर था बेरसा बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग उनसे बात हुआ किए तो उन्होंने मुझे बताया था कि स्कैर को भाई काम करो, अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है गेम प्ले करना ऑब्जर्वेटरी में तो आपको ना ये ट्रिक यूज करना है जैसे आपको सिखा रहा हूं। आपको ना इस जगह पे आ जाना है और जितना बंदा अंदर आएगा ना उसको मारते जाना है। एक को देख के दूसरा बंदा भी आता है स्कैर को भाई, इसलिए ध्यान रखना जितना बंदा आएगा ना आपको पोजीशन भी उस हिसाब से चेंज करना। क्योंकि होता क्या है, एनिमी का जो प्लेयर्स वगैरह होता है वो मार्क कर देता है। अगर आप लोग ज्यादा रैंक पुशिंग कर देते हो, मास्टर वगैरह प्लेयर वगैरह होता है ना वो थोड़ा ज्यादा शातिर होता है, इसलिए वो क्या करता है मार्क कर देता है। इसलिए अपना पोजीशन को चेंज कर देना। इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे पोजीशन वगैरह चेंज कर रहा हूँ। देखो मैंने ट्रिपल किल कर दिया इस ऑब्जर्वेटरी में, और देखते देखते आप लोग देखो इस गेम को विक्ट्री करवा दिया हम लोगों ने। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा, ये जो ट्रिक है गाइस ग्रैंड मास्टर के प्लेयर ने बताया था, बस ऑब्जर्वेटरी जो राउंड आता है ना उसमें अंदर से खेलो और अपना पोजीशन को जितना उसको चेंज करो। तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक था ये ट्रिक, मैं आपको बता दिया। थैंक यू सो मच बेरसा भाई। अभी हम लोग देखेंगे रैंडम प्लेयर बिगेस्ट मिस्टेक। तो मैं गेम खेल रहा था रैंडम प्लेयर के साथ और मैंने कुछ दो मिस्टेक फाइंड किया रैंडम प्लेयर का, जो बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर ये सीजन पे करोगे ना तो दिक्कत देने वाला आप सबको। ठीक है, तो कैसा मिस्टेक था वो भी दिखाता हूं। चलो मैच को गेम पे, और देखो गाइस अभी रैंडम प्लेयर के लिए नेक्स्ट रा मैप बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। मतलब रैंडम प्लेयर ऐसे ही खेल लेते हैं नेक्स्ट रा मैप, उनको उतना आइडिया हो चुका है। अब देखो ओपोनेंट में हम लोग का टीम में जो है अपना का ओपोनेंट वो लोग ना थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है इनका, मतलब एक साथ रहता है। आप देखो एक साथ रहोगे तो यहाँ पे नेट तो जरूर आएगा भाई। यहाँ पे देखो गाइस एक मैंने देखा पहले एक प्लेयर था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको इस जगह पे कितना प्लेयर दिख रहा है, अब दो प्लेयर हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने एक नेट कुक करके फेंक दिया तो देखो दो नॉक मिला। यहाँ पे आप लोग मत बैठना भाई, सब प्लेयर को बोलता हूँ कभी मत बैठना, वो भी चार बंदा मिलके एक जगह पे। देखो यहाँ पे अगर नेट पड़ेगा तो कम से कम दो बंदा तो नॉक होगा ही। और यहाँ पे अगर दिमित्री भी चालू करते हो कितना देर तक सर्वाइव करोगे, 1 मिनट भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे भाई, खत्म हो जाओगे इस तरह से। सेकेंड ट्रिक है आप लोग ग्रेविटी लेवल्स में। देखो इस ग्रेविटी लेवल्स में बहुत सारे प्लेयर एक और दिक्कत करते हैं कि दिक्कत होती है उनको कि वो लोग ना रैंडम प्लेयर तो खेलते हैं लेकिन वो लोग क्या करते हैं नीचे से रस करने की कोशिश करते हैं। वो लोग देखो नीचे फाइट कर रहे हैं, एक प्लेयर को मारने के लिए वो लोग नीचे चला गया। भाई मेरे भाई बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, नीचे तो चला गया लेकिन क्या होगा अगर कोई प्लेयर, देखो गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ 3 बंदा है नीचे। क्या भाई इतना गलती क्यों करते, 3 बंदा नीचे क्यों जा रहे, कम से कम एक बंदा खेल लो। अगर कोई प्लेयर मान के चलो यहाँ पे ग्लू वाली लगा दिया, जैसे मैं अभी लगा देता हूँ, इनका तो आना मुश्किल हो गया। यहाँ पे वो आ पाएगा? यहाँ से कोई निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा ना, जब तक ग्लू वाल नहीं फोड़ेगा। और ग्लू वाल फोड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। क्या पता कोई नायरी ग्लू वाल लगाते, नायरी वाला कैरेक्टर से ग्लू वाल लगाते, तब तो और नहीं फोड़ पाएगा। यहाँ पे वही हुआ, तो इसलिए क्या हुआ देखो गाइस, एक प्लेयर ही उनका बचा चुका है गाइस, आप लोग देखो। अब वो भी जैसे आता है वो तो जोन में टपक ही जाता है, देखो गाइस यहाँ भी टपक। तो इस ट्रिप से मेरा एक ही मोटिव है, अगर आप लोग ये गलती कर रहे हो तो कभी मत करना। ओके गाइस, ये जो नया सीजन आया अपना सीजन 21, यहाँ पे देखो आप लोग, मेरा ये सीजन 20 पे मेरा कितना था, मास्टर पे था, और मैं मास्टर लगभग 95-96 स्टार कर लिया था। और यहाँ पे गाइस मैंने 100 स्टार नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं डायमंड 3 पे हूँ फिलहाल, डायमंड 3 से, और जल्दी बहुत हीरोइक हो जाएगा, टेंशन नहीं है हीरोइक का। तो यहाँ पे देखो हम लोग मास्टर भी कर लेंगे और ग्रैंड मास्टर करने के ट्राई भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप लोग गौर करोगे, यहाँ पे देखो बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत सारे प्लेयर को पता नहीं है, वो है रिकमेंड। यहाँ पे प्रीसेट का लेफ्ट साइड में आपको रिकमेंड दिख रहा है, वो रिकमेंड में क्लिक करना है, एक बार बस क्लिक करना, आपको एक चीज पता चलेगा। यहाँ पे देखो कितने सारे स्किल कॉम्बो है, एक बैटल रॉयल का है, एक सीएस का है, क्लैश स्क्वाड राइट। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्रिम्सन रेड है, इजी हेल्प अप है, परफेक्ट नेडर है, स्काउट है, एलिमिनेशन स्ट्रीक है, ये सारे क्या है, ये सारे स्किल कॉम्बिनेशन है जो गरीना आपको रिकमेंड करता है बनाने के लिए। गरीना की खुद से दिया है आप सबको, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रिम्सन रेड अगर बनाना चाहते जो ओरियन प्लेयर है उन सब के लिए भी स्किल कॉम्बो है। यहाँ पे दशा और जोटा इंक्लूड किया है, तो गरीना ने खुद सोच समझ के दिया है। दिमित्री किसके लिए यूज करता है, रैंडम जो खेलता है, रैंडम में बहुत ज्यादा फायदेमंद है दिमित्री, इसीलिए गरीना ने क्या किया, यहाँ पे आपको दिमित्री भी दिया है, तीव्या दिया है, यहाँ पे देखो कपिला और ओलिविया देखा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्यू कॉम्बिनेशन है जो गरीना आप खुद से बता रहे। देखो अगर आपको नहीं मिल रहा है कॉम्बिनेशन तो यहाँ से आप लोग एक बार चेकआउट करो, मैं बोलूंगा ये सेक्शन को चेकआउट करो, बहुत सारे प्लेयर को अच्छी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है ना, तो इससे भी आप लोग रिकमेंड करके आप लोग गरीना से ले सकते हो गाइस, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेयर को पता नहीं था, तो मैंने आपको एक सजेशन दिया, आप लोग नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज विजिटर इन फ्री फायर। तो देखो विजिटर आप लोग का ना यहाँ पे नीचे मिलता है लेफ्ट साइड की बॉटम में। अब इससे क्या इंक्लूड है हम लोग का सीएस रैंक का टिप्स एंड ट्रिक्स में, वो भी देखो। ये क्यों मैं बता रहा हूँ विजिटर से आपको क्यों फायदा हो सकता है, देखो विजिटर जितना आप लोग गेम में आएगा उतना ज्यादा फायदेमंद है। अभी मेरे पास 1100 विजिटर है टोटल गाइस, ठीक है, एंड आज के दिन में मुझे 15 विजिट आया है। अब यहाँ पे आप लोगों को प्लेयर्स वगैरह का आईडी मिलता है, किसने किसने आपको विजिट किया है। यहाँ पे हो सकता है आपका टीम में जो आपका फ्रेंड वगैरह है वो भी आपको विजिट कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है कोई रैंडम प्लेयर भी विजिट कर सकता है, यहाँ पे हो सकता है कोई आपको फ्रेंड में ना हो लेकिन आपको विजिट करोगा, ठीक, कोई भी प्लेयर आपको विजिट कर सकता है। अब यहाँ से एक प्लेयर का आपको ट्रिक बताओ, ठीक, बहुत सुंदर ट्रिक है। अब देखो मान के चलो आपका यहाँ पे विजिटर ऐसा है जो आप लोग टीम में ना, आपका फ्रेंड में ना हो लेकिन आपको विजिट किया। यहाँ पे आपको प्रोफाइल खोलना है एंड उनका प्रोफाइल से आपको बस यूआईडी कॉपी करना है। अब इसलिए मैं आपको ये चीज इसलिए ट्रिक बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो प्लेयर है गाइस बहुत अच्छा प्लेयर है। अब ये सारे प्लेयर का आप लोग एम्बलेम देखो, ये पूरा मास्टर किया गया, ठीक है, मतलब ये प्लेयर कुछ अच्छा प्लेयर है, ठीक है। आप इनसे फ्रेंड बना लो, इनके साथ गेम प्ले करो। यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है फ्रेंड पे और यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दो इसका आईडी गाइस, ठीक है, मतलब ये ग्रैंड मास्टर प्लेयर है, इसको अगर हम लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे क्या हो पता है ये हम लोग का प्लेयर का हम रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ले, हम लोग रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, तो क्या पता ये हम लोग के साथ गेम प्ले करे। अगर आपके पास कोई फ्रेंड ना हो तब आप लोग ये ट्रिक यूज करना, ठीक है, अगर आपके पास फ्रेंड हो तो ये ट्रिक यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास मुझे पता है तो ये ट्रिक उन्हीं सभी के लिए जिसके पास फ्रेंड नहीं है ये सीजन रैंक पुश करने के लिए। तो मेरे भाई अगर आपको लगता है ये ट्रिक यूज करने के लिए फायदेमंद है तो आप लोग यूज कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंटोसा रैंडम प्लेयर के लिए बेस्ट ट्रिक है। अगर आप लोग सेंटोसा खेलते हो रैंडम प्लेयर के साथ तो अगर लगता है कभी भी सेंटोसा आ गया मैप में और आप लोग ये ट्रिक यूज करना चाहोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचने वाली है। कैसा ट्रिक है चलो गेम में समझाऊंगा पूरा क्लियरली। दोस्तों मैं आ जाऊं गेम पे और सेंटोसा में हूं फिलहाल। अभी आप लोग देखो मैं गाइस जब भी सेंटोसा रैंडम खेलता हूं एक चीज मैं हमेशा कोशिश करता कि वो है आप लोग का ये रूफटॉप प्लेयर को पहले क्लियर करो। देखो जहां से आप लोग आओगे ना यहां पे आपको बस खड़ा होके बस एनिमी को नॉक करना है। देखो जैसे एनिमी नॉक हुआ ना खत्म भी कर दिया, पूरा क्लियर कर दो। क्योंकि होता क्या आजकल क्या हो रहा है एनिमी लोग ना घर के ऊपर चढ़ रहा है रूफटॉप से, वो भी टायर का जंप लेके। यहाँ पे आप लोग ग्लूवल देख रहे हो, यहाँ पे ग्लूवल लाके चढ़ता है। ये घर देख रहे हो जिस घर में मैं हूं अभी फिलहाल, इस घर के ऊपर भी बंदा है। यस माय फ्रेंड, इस घर के ऊपर भी बंदा है। तो यहाँ पे इस बंदे को पहले नॉक करने के बाद अभी मैं जाऊंगा ऊपर क्योंकि मेरा टीममेट ने मुझे कॉल दिया है भाई ऊपर बंदा है, रैंडम प्लेयर का था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रैंडम प्लेयर वालों क्या करता है। देखो गाइस यहाँ पे ऊपर चढ़ने के मारने की कोशिश कर रहा था, इसको भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे इनका दो ही बंदा बचा है तो एक बंदा को यहाँ पे नॉक कर देता हूँ। देखो गाइस बहुत अच्छा गन है गाइस, MP40 और AK। मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, ये गन बहुत सुंदर है। और देखो सेंटोसा में यही रहता है कि गाइस बंदा लोग कहाँ चढ़ता है, उनका टीममेट को गाइस कोई पता ही नहीं है रैंडम में। इसलिए तो बोलता हूँ गाइस रैंडम में गाइस कुछ ट्रिक ऐसा है जो आपको पहले से जानना है कहाँ बंदा चढ़ रहा है। ठीक है, लाइक वो घर कौन सा, ये घर कहाँ बैठता है, सब चीज आपको अंदाजा रखना है गेम में। एंड कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना आपको गरीना ने क्या रैंक पे ड्रॉप किया है ये न्यू सीजन पे। मुझे डायमंड 3 पे ड्रॉप क्या है, आप लोग का बताओ कमेंट बॉक्स में।